हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन इलेक्ट्रा में हमें देखने मिला है यानी कि फ्राइडे के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.30% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने का। क्लोजिंग यहाँ पे 479.95 में देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए हम जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम हमें फ्राइडे के दिन देखने मिला। कैंडल भी बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम टू लार्ज साइज की भी नहीं है। यहाँ पे RSI जो है हमारा आप देख सकते हैं 32-33 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड। स्टॉक में हमें डाउनसाइड जो आराम से सबसे पहले एक बार 467 के आसपास देखने में और उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में डाउनसाइड जो है वो हमें 445 तक आते हुए देखने मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हमारा ओपिनियन जरूर नेगेटिव मूवमेंट का है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड भी जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक यहाँ पे आपको कभी भी यहाँ पे जो है नीचे के साइड में जो है यहाँ पे आते हुए देखने मिले तो जरूर जब वहाँ पे बाएंगे नीचे के साइड में यानी कि 444 के आसपास आते हुए देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज में आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक का आप आराम से गिरने दे। स्टॉक आपको कभी भी यहाँ पे 335 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए लेवल है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अपना 100% कैपिटल जो इस लेवल पर ना डालें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है कैपिटल का 20-25% जो है यहाँ पे इस लेवल पर डालना है, बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको देखने मिले तब जो आप जरूर वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ से आपको जो है एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट जो देखने मिले। लेकिन कभी भी 10-20% का एडिशनल डाउनफॉल देखने में तो एडिशनल बाइंग करें। याद रखें एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आवर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जो हमें मार्क करना है। स्टॉक का हम जो पहली बार एनालाइज कर रहे थे यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सारी की सारी मार्किंग जो अपने चार्ट पे कर ले क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो है मार्किंग्स भी जो है वो नीचे के साइड में जो हम कर रहे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही करें ताकि यहाँ पे कभी भी ज्यादा जो है डाउनफॉल भी अगर आपको देखने मिले तो यहाँ पे आप जो है हमारे इस मार्किंग्स को जो देखते हो अपना ट्रेड ले सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी मार्किंग्स भी जो कम्प्लीट हो चुकी है थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लें ताकि हमें इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे मंडे के लिए रहने वाला है वो हमें क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 479.95 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 476 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 482.80 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो, फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझा है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 469.65 का, उसके बाद क्या आता है 461.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोन के बाद का अगला रेजोन आता है 489.10 का, उसके बाद क्या आता है 494.55 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जाए नेगेटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड है 469.65 से लेके 476 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो है देखने मिले, यानी कि हमें जो है एक डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मंडे के दिन। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।